केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले भारत के महान समाज सेवक राजीव दीक्षित को तो सभी जानते ही होंगे। वह एक ऐसे महान इंसान थे जिसकी जरूरत भारत को इस समय सबसे अधिक है, क्योंकि यही वह इंसान थे जो कि सच्चाई पर भरोसा और बिना किसी डर के बुराइयों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की हिम्मत रखते थे, और इसीलिए देश के सभी लोग इन्हें सम्मान के साथ राजीव भाई के नाम से बुलाते। और दोस्तों, राजीव दीक्षित के रग रग में स्वदेशी की चिंगारी थी। साथ ही वह जो भी जानकारी अपने स्पीच के जरिए जनता को देते थे वह पूरी तरह से सबूतों और तथ्यों पर आधारित होती थी, और इसी वजह से उन्हें कोई भी गलत साबित नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम राजीव भाई की पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम न करके देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 1967 से, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में राजीव जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था और उनकी माँ का नाम मिथिलेश कुमारी। और बचपन से ही राजीव भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे, और इसीलिए इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई फिरोजाबाद से पूरी करके उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई की, और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से उन्होंने एमटेक भी पूरा किया। और फिर एक होनहार इंजीनियर बनने के बाद राजीव दीक्षित ने कुछ समय तक भारत के CSIR और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाह थी, और वह भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। और फिर जल्द ही राजीव भाई का ध्यान विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में किए जा रहे लूटपाट पर गया। उन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर इंडियंस को बेचती हैं और फिर पूरा मुनाफा भारत से कमाकर अपने देश में ले जाती हैं। और इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। उन्होंने देश की जनता से यह अपील की कि स्वदेशी चीजों को अपनाएं और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, और अगर ऐसा करेंगे तभी देश का विकास पॉसिबल है। और अपने इसी आवाज के साथ वह काफी कम उम्र में ही 12,000 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दे चुके थे, जिसमें कि भारत में यूज किए जाने वाले 5,000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने देश के कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी भारतीय कंपनी है और कौन नहीं। और फिर इन आंदोलन के जरिए जल्द ही राजीव दीक्षित ने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली, और अब लोग उन्हें सम्मान के साथ राजीव भाई के नाम से बुलाने लगे। और दोस्तों, राजीव भाई का मानना था कि भारत में खोजे गए आयुर्वेद जैसा इफेक्टिव मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने लोगों से यह अपील की कि उन्हें अपने बीमारियों को दूर करने के लिए एलोपैथ की जगह पर आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। और फिर बाबा रामदेव के साथ भी उन्होंने कई सारे अभियान को अंजाम दिए। साथ ही वह 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव के तौर पर भी नियुक्त किए गए, और इस ट्रस्ट का भी मेन मोटिव था भारत से करप्शन को दूर करना तथा आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देना। और दोस्तों, इस आंदोलन को शुरू करते समय राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव दोनों ने शपथ ली थी कि हम केवल कुशल लोगों को मतदान करेंगे, हम दूसरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में नोटबंदी तो अभी हाल ही में की गई थी, लेकिन राजीव भाई ने आज से कई साल पहले ही यह कह दिया था कि अगर भारत में काले धन को रोकना है तो 500 और 1000 के नोटों को बंद करना पड़ेगा। और फिर आगे चलकर बाबा रामदेव और राजीव भाई ने स्ट्रैटेजी बनाई कि लोगों के सामने सारी सच्चाई रखने के बाद से वो देशभक्त और बुद्धिमान लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, और फिर एक मजबूत पार्टी तैयार करके 2014 लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि आगे चलकर राजीव भाई के विचार कई बार बाबा रामदेव के साथ मेल नहीं खाया करते थे, और इसी वजह से दोनों के बीच थोड़े विवाद शुरू हो गए। और राजीव भाई के समर्थक मानते हैं कि बाबा रामदेव अब राजीव दीक्षित की लोकप्रियता से घबरा गए थे, और इसीलिए उन्होंने राजीव के खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और फिर एक बार जब राजीव भाई छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तब वो अपने दौरे को पूरा करने के बाद 30 नवंबर 2010 को भिलाई पहुंचे, और फिर भिलाई से दुर्ग के लिए रवाना होते समय कार में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि उन्हें जल्द ही अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बच सकी। और इस तरह से देश के लिए पूरी जिंदगी न्योछावर करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि बाद में राजीव जी के समर्थकों ने उनकी हत्या का आरोप बाबा रामदेव पर लगाया, क्योंकि समर्थकों का मानना था
कि मौत के बाद राजीव जी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जैसे कि किसी को जहर देने के बाद होता है। और पोस्टमार्टम के लिए कई बार कहे जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया। और फिर राजीव दीक्षित का पार्थिव शरीर उनके घर न ले जा करके पतंजलि शिविर ले जाया गया। हालांकि हत्या का आरोप कभी भी साबित नहीं हो सका और इसी वजह से हम भी इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में राजीव दीक्षित की तरह महान समाज सेवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उनकी स्पीच को अभी भी सुनकर मोटिवेट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि राजीव भाई की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।